इनको पकड़ना क्या है, इनको बधागा मार दिया जाए, नहीं हो सकेंगे। इनको पकड़ के करोगे क्या, मुखे मैं तो ये दो, इनको तो मारना पड़ेगा, ये नहीं मारेंगे ना, बड़ी गोली तो मारेंगे हम। ये 20 बार पहले भी कर चुके हैं, इनको जिंदा छोड़ दिया जाता है, क्यों छोड़ दिया जाता है इनको। दोस्तों हम आगे हैं मंडी के बीच में, आर के अस्पताल विवंत और ये वर्मा मेडिकल हॉल, सभी दुकानें बंद हैं दवाइयों की भी। दोस्तों ये है वो दुकान जिस पे सरेआम 10 बजे घटना घटी है, बजरंग मेडिकल हॉल। और आप देखिए जहाँ तक नज़र मारोगे जोलाने की पूरी मार्केट आज बंद है। और देखिए हरियाणा किताब घर, जिंदल वस्त्र भंडार, सभी यहाँ भी, फिर दिखाता हूँ पूरी मार्केट बंद है। बैठ रहता है तो उसके लिए शर्म, हमारे लिए शर्म की बात है। दूसरी बात ये है कि जो ये होया था होने के बाद में वो मैंने आइडेंटिफाई करे हैं, रवि नाम का लड़का है, उसके घर परिवार साथियों पर मैंने तफ्तीश की है, तो उसने बाइक यूज़ की थी, बाइक को भी कैच करे है, जो बाइक मालिक था उसको भी कैच करा है, ठीक है जी। उसके बाद में जो हादसा हुआ मैं लगातार कंटिन्यू उसी काम में लग रहा, मैंने और कोई काम नहीं यार करूँ भी नहीं का, ये मेरा आश्वासन है। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक ही बात कहूँ, जो करे है ना वो सेक्शन बेहतर से बेहतर सेक्शन लगाई है और बेहतर लगा जाए, ठीक है ना जी, लगा दो और बेहतर लगा दो। हाँ बंद करके तो कर्मचारी काम करते थे वो भी मर जाते, बड़ी बात है वो दो दिन थे गिरफ्तार करेंगे, ठीक है ना, पूरी पूरी कोशिश है गिरफ्तार करूंगा मैं। और पता लग लिया जी, उनके जो संभावित ठिकाने हैं दोस्त हैं उनके ऊपर मैं रेड कर जाऊँ, CID जी जी दो मेरी साथी यूनिट है SPA B12 हरियाणा लेवल की, 5 करोड़ की फिरौती है, सब एरिया में शाम तक नहीं मिले, समय तो आता ही है, और कोई समय इसमें डिमांड बढ़ानी हो घंटा की दो घंटे, जो मेरी साथी यूनिट थी उनको भी लगा रखे है मैंने, मेरे ऑफिस रोज 12 घंटे वो तो मैं तो उससे पहले भी कर दिया हूँ, बाकी आप 2 घंटे मैं राइटर अरिंद के घर सपोर्ट की अभी कड़ा फैसला लिया व्यापारियों ने, जब तक पकड़े नहीं जाएंगे दोषी तो मार्केट नहीं खुलेगी, क्या प्रतिक्रिया इसकी आप? चौकी इंचार्ज हो, चौकी के अंदर ये मार्केट आती है, चौकी इंचार्ज नहीं आई हो थोड़ा से, तो व्यापारी को खजाना भरा है, व्यापारी की सुरक्षा सबसे पहले सुरक्षा है भाई, निर्णय ले लो ठोस, दुकान खोलनी नहीं आपको किसी ने खोलनी नहीं, और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, एकाधा व्यापारी दुकान का शटर ठावा है, कुआं बंद करा है, कुआं ठावा है, एक दिन की कमाई से पूरी जिंदगी नहीं होती, और सबकी नजर में आ रहा है, हमने सारा बेरा किसी की दुकान खोल ली है, भाई नजर मानता है तो नहीं के वो तो भाई सारा सही रहा अपना, मैं उससे भी कहना चाहता हूँ भाई एकजुटता दिखाओ, ताकत दिखाओ व्यापारी की। हजारा वैसे तो साहब ने क्या आश्वासन दिया है कि नहीं दिया है बता भाई, 24 घंटे या देखो इसकी जो व्यापार संगठन है बहुत बड़ी ताकत है, अगर मारा मामा अपनी ताकत ने जान जावा, कमी के है हमारी एकता नहीं है, आज एक का साथ हो रहा है, आधी दुकान खुली है, कल उनका साथ भी हो सका है हादसा, इससे जगह पर जो प्रशासन है ऐसे ऐसे अधिकारी आए हैं जिसने जुलाना में अपराध कराया है, और सभी को पता है कौन ऐसे अधिकारी था पीछे, और उसको हमारे द्वारा सम्मानित कराया गया है बार बार, जबकि उसने अपराध बढ़ाया और उसको हमें सम्मानित करा,
ये हमारी कमी है। एकता अगर नहीं बनावांगे तो हमारी कोई मजबूती नहीं है। एकता बनानी पड़ेगी। प्रशासन भी आएगा, डीसी भी आएगा, सब यहां आ जाएंगे, लेकिन एकता बनानी पड़ेगी। या नियमत छिपके हमारी तोड़ा और पाछे धो करूं, चमचागरी करूं, या बात छोड़नी पड़ेगी। सब ने एक होना पड़ेगा। या प्रार्थना है सबसे, राम राम जी सर। आज आमतौर तक से मीटिंग ले रहे थे कर्मचारियों की, तो इसमें आई फोन में देखा तो यहाँ इसमें 36 बिरादरी और 72 रोड भी दुखी है। दुखी क्यों है? यूपीसी ने शेड का हिस्सा लिया। यहाँ अशोक था, यह अपना ये बनी था, या गणेश था, या कोई भी था, चाहे मात्र होते हिसार होते कोई भी हो। आज हरियाणा के अंदर एक बार इकट्ठे होकर कोर है प्रशासक और सब कहते हैं हमें गिरफ्तार करा गया कोर है, और दो दिन के बाद ठंडा हो गया। कंप्यूटर जी आज आपने बताऊं यार 36 बिरादरी है, कौन सी बिरादरी है, लेकिन हमारे को एकता दिखानी होगी। एकता दिखानी होगी, दिखावा नहीं करना। आज भी क्या है हमारे बाजार में आधी दुकानें खुली हैं। अभी मैं आया हूं, अभी भी एक दो तो सेक्टर इतना खुल गया है भाई। हमारा गेट अंदर से यार एक दिन गेट में थोड़ा डाउन और कर दो, ये हमें छोड़ना पड़ेगा, अपने लिए छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें बाजार में काम करना, नहीं तो मान लो 60% जाते लो 40% में जल्दी बन जाऊंगे, बात अपने बैठो करूंगा। राम राम। एक ही बात कहना चाहता हूं, इसको चेतावनी समझ लो, और चाहे इसको आप हमारा नम्र निवेदन समझ लो कि आज व्यापारी इकट्ठे हुए हैं। अगर इस चीज पर आपने लगाम नहीं लगाई तो कल हम हर गांव से जो हमारी खाप है, पंचायत है, हमारे जमींदार भाई हैं, वो भी इसका हिस्सा होंगे कल। और जब तक ये हिस्सा नहीं होती, क्योंकि बदमाश की कोई जात नहीं होती, ना बदमाश बदमाश खावा डर का, और बदमाश का अगर डर प्रशासन चढ़ा होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों ये दिखाई हमने जुराना बंद मार्केट की रूपरेखा, प्रशासन भी, व्यापारी भी और मजदूर भी, और बने रहिए टूरिज्म के साथ। मैं हूँ जुराना से ऋषि पाल जैन।